उधर पूर्व सीएम हरीश रावत के पिथौरागढ़ की डिडीहाट सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज होती जा रही है और इस चर्चा के दौर ने उस वक्त और रफ्तार पकड़ ली जब कल यानी कि बुधवार को डिडीहाट विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में हरीश रावत को डिडीहाट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव कांग्रेस नेताओं ने पार्टी आलाकमान को भेजा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले 25 साल से डिडीहाट सीट से कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर सकी है और ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डिडीहाट सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ ही डिडीहाट की जनता को भी फायदा पहुंचेगा। संबंध में एक हमने जितने भी कैंडिडेट थे उनको एक मीटिंग बुलाई है, उसमें सबकी ये राय है कि अगर हरीश रावत जी इस विधान डिडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो सब प्रत्याशी और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे। साथ ही अगर किसी कारणवश वो उनको नहीं चुनाव नहीं लड़ा तो जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ेंगे उसके लिए सभी काम करने को सब एकजुट होकर आज कांग्रेस के डिडीहाट विधानसभा सभा की एकजुटता यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। संभावना की बात करें तो हम पिछले 5 साल से हमने बिल्कुल ग्राउंड तैयार कर रखा है, हमारी पूरी बूथ कमेटियाँ बन गई हैं, हम 5 साल से बिल्कुल विधानसभा के हर गांव में पहुंच चुका हूं मैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर हरीश रावत जी हमारी विधानसभा से आएँ तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि डिडीहाट विधानसभा से हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो डिडीहाट विधानसभा सबसे अव्वल होगी